हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास सिक्स का चैप्टर सोर्सेस ऑफ फूड। दिस इज़ अ फर्स्ट चैप्टर इन क्लास सिक्स साइंस। सो बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में। फर्स्ट टर्म इज़ फूड, द सब्सटेंस विच प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर वर्किंग इन डेली लाइफ आर कॉल्ड फूड। फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल एज अ फूड, मीट एज अ फूड। हम डेली लाइफ में जो खाना खाते हैं, खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है और डेली रूटीन के काम करने में हेल्प मिलती है। तो इसी टर्म को साइंस में फूड एज अ डिफाइंड किया गया है। नेक्स्ट टर्म पे बढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट्स, द केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रेजेंट इन आवर फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वो केमिकल सब्सटेंस जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं बट वी आर नॉट टू बी सेपरेट एंड सीन देम इजिली, दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में चैप्टर सेकंड में। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स क्या होते हैं। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म की ओर, न्यूट्रिशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइज्ड बाय बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों? खाना खाने के बाद किसी ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स के थ्रू फूड को इनटेक करना और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी की वर्किंग के लिए यूज़ करना, उस टर्म को न्यूट्रिशन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट टर्म पे पढ़ते हैं, दैट इज़ स्टेपल फूड, द फूड विच इज़ ईटन बाय पीपल ऑफ द पार्टिकुलर रीजन और एरिया इज कॉल्ड स्टेपल फूड। किसी भी एक पार्टिकुलर एरिया या रीजन में खाया जाने वाला जो विशेषतर फूड है, जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है, उसी फूड को स्टेपल फूड कहा जाता है। लाइक स्टेपल फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया इज़ व्हीट एंड स्टेपल फूड ऑफ साउथ इंडिया इज़ राइस। जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा वीट को खाया जाता है, यानी गेहूं को खाया जाता है, और नॉर्थ इंडिया जो आपका साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा राइस का एज अ फूड यूज़ किया जाता है। सो दे आर नोन एज स्टेपल क्रॉप्स और स्टेपल फूड ऑफ दैट पार्टिकुलर रीजन और एरिया। नेक्स्ट टर्म इज इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, द थिंग्स विच आर नीडेड टू प्रिपेयर फूड एज अ डिश और कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। बच्चों, वो चीज़ें जिनसे हम खाना बनाते हैं, खाने में डालते हैं, जैसे हम कोई भी वेजिटेबल प्रिपेयर करें, करी वेजिटेबल प्रिपेयर करें, तो उसमें जो भी मसाले, सब्जियां, वाटर, ऑयल, एसेंशियल जितनी भी चीज़ें उसमें आप ऐड करते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। फॉर एग्जांपल, वी नीड द राइस, वाटर, स्पाइसेस एंड वेजिटेबल्स फॉर मेकिंग बिरयानी। बिरयानी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? राइस, वाटर, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स और ये सारी चीज़ें चाहिए बिरयानी को बनाने के लिए। सो आप भी अपनी तरफ से बहुत सारी एग्जाम्पल इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी भी स्पेशल डिश को बनाने के लिए, लाइक पुडिंग यानी खीर बनाने के लिए क्या चाहिए? वी नीड द राइस, मिल्क, शुगर एंड सम ड्राई फ्रूट्स फॉर मेकिंग द पुडिंग। सोर्सेस ऑफ फूड, वी ऑब्टेन द फूड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे आर नोन एज सोर्सेस ऑफ फूड। हम अपना जो खाना है दोनों तरफ से ले सकते हैं, एनिमल्स से एज वेल एज फ्रॉम प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल, द फूड आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स आर वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड सेल्स। ठीक है, हम जो प्लांट्स है, प्लांट्स से क्या क्या लेते हैं? वेजिटेबल्स लेते हैं यानी सब्जियाँ, फ्रूट्स यानी फल, और सेल्स मीन्स अनाज, ये सारी चीज़ें लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में, पिक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड सेल्स। क्लियर? नेक्स्ट टर्म पे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फूड विच वी आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स लाइक हनी, मिल्क, एग एंड मीट एक्सेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स। अ सीन इन अ पिक्चर, एग एंड मिल्क, द मीट एंड हनी। नेक्स्ट टर्म इज प्रोड्यूसर्स, व्हाट आर द प्रोड्यूसर्स? द ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे मेक देयर फूड themselves by photosynthesis reaction using water, carbon dioxide and sunlight. Producers, यानी कि खुद से प्रोड्यूस करने वाले ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे क्या करते हैं? अपना खाना खुद से बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में। आपने जो देखा होगा, हम डेली पौधों को क्या देते हैं? वाटरिंग करते हैं, पानी डालते हैं। पानी डालने से वो पानी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। उस पानी का वो करते क्या हैं? उसे खाना बनाने में यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, और एटमॉस्फेयर से वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। सीन इन द डायग्राम, दे गेट द एनर्जी फ्रॉम सन एंड दे रिलीज द ऑक्सीजन इन टू द एनवायरमेंट एंड टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर थ्रू द रूट्स एंड थ्रू द सॉइल।
नेक्स्ट टर्म इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड टेकिंग द फूड हैबिट्स. फर्स्ट टाइप इज हर्बीवोर्स. द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एज अ फूड आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. वो एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स को ही खाते हैं, यानी कोई नॉन वेज मटीरियल को नहीं खाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? हर्बीवोर्स होते हैं. लाइक बफेलोस, काउस, डियर, हॉर्सेस एक्सेट्रा आर नॉन एज हर्बीवोर्स, जो ओनली घास वगैरह खाते हैं. सीन इन अ पिक्चर देयर अ बफेलोस, एलिफेंट, डियर, शिप, काउ, कैमल, दे आर ऑल आर हर्बीवोर्स बिकॉज दे ओनली ईट द प्लांट्स एज अ फूड. द नेक्स्ट इज अ टाइप कार्निवोर्स. द एनिमल्स दैट ईट एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स ओनली एज अ फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स. फॉर एग्जाम्पल लॉइंस, टाइगर, लेपर्ड, वॉल्व्स एंड शार्क, दे आर सम एनिमल्स विच कैन ओनली ईट द मीट एज अ फूड, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एज अ फूड. ओमनिवोर्स, द एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एज वेल एज फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स एज अ फूड आर कॉल्ड ओमनिवोर्स. फॉर एग्जाम्पल रैट, काउ, डॉग्स, पिग, कॉकरोच एक्सेट्रा, दे आर द सम एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोर्स. ह्यूमन इज ऑल्सो ओमनिवोर बिकॉज ह्यूमन ऑल्सो ईट नॉन वेज मटीरियल एज वेल एज वेज मटीरियल्स. दे आर सीन इन अ पिक्चर क्रो, डॉग, हैन एंड पिग. नेक्स्ट इज स्क्वेंजर्स. द एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स एज अ फूड आर कॉल्ड स्क्वेंजर्स. वो एनिमल्स जो डेड एनिमल्स को, मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं एज अ फूड, दे आर नोन एज स्क्वेंजर्स. फॉर एग्जाम्पल जैकल, वल्चर, हाइना. यू सीन इन अ डायग्राम जैकल, गीदर, हाइना भेड़िया, और वल्चर गिदोर बाज, क्रो. दे आर नोन एज स्क्वेंजर्स बिकॉज दे ईट द डेड ऑफ डेड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. नेक्स्ट इज पैरासाइट्स. द स्मॉल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन द होस्ट बॉडी फॉर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट. जो दूसरों की बॉडी पे सर्वाइव करते हैं, आपने देखा होगा एनिमल्स के ऊपर कुछ इंसेक्ट्स जैसे बालों में जुएं गिर जाती हैं, उन्हें कहते हैं लाइस, हेड लाइस. बालों में जो जुएं गिर जाती हैं, हेड लाइस, वो अपना क्या करती है? ब्लड सक करती है, खून चूसती है. टिक्स, भैंसों में जो चींचड़ वगैरह लग जाते हैं. मॉस्किटोस, वो भी हमारा क्या करते हैं? ब्लड सक करते हैं, यानी कि दूसरों की बॉडी पे ब्लड सक करके सर्वाइव करते हैं. दे आर नोन एज पैरासाइट. फॉर एग्जाम्पल हेड लाइस, फर्स्ट इज अ डायग्राम इज हेड लाइस, बालों में पड़ने वाली जुएं. एंड टिक्स, कुत्तों या पशुओं के लगने वाले चींचड़. और मॉस्किटोस, दे आर सम एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स, दे सर्वाइव ऑन द बॉडी ऑफ द अदर एनिमल्स. नेक्स्ट इज फूड चेन. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वन एनिमल टू द अदर एनिमल फॉर द फूड इज कॉल्ड फूड चेन. हम जानते हैं कि नेचर में एक एनिमल दूसरे एनिमल पे फॉर फूड डिपेंड है. डिपेंडेंस ऑफ वन एनिमल फॉर अदर एनिमल फॉर फूड. सीन इन एग्जाम्पल ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक. ये क्या करते हैं? देखिए ग्रास हॉपर क्या ईट करेगा? ग्रास. ग्रास हॉपर ईट द ग्रास, एंड द फ्रॉग ईट द ग्रास हॉपर, एंड द स्नेक ईट द फ्रॉग. सो दे आर डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर द फूड. सिमिलरली द डियर ईट द ग्रास एंड द लॉयन ईट द डियर. क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज फूड चेन. देर आर नंबर ऑफ द एग्जाम्पल इन फूड चेन. नाउ फूड वेब. वेन द नंबर ऑफ द फूड चेन आर इंटरलिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ फूड वेब. जब नंबर ऑफ फूड चेन एक साथ इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, दैट मीन्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंड हो जाती है, तब बनती है फूड वेब. देखिए यहाँ पे नट्स हैं. नट्स को स्क्वेरल ईट करेगा, और स्क्वेरल को कौन खा जाएगा? ईगल, यानी बाज खा जाएगा. फिर बात करते हैं बेरीज. जो बेर या कोई भी फ्रूट लगा हो, बेरीज को स्क्वेरल खाता है, स्क्वेरल को कौन खा जाएगा? ईगल. और बेरीज को और कौन खाती है? फ्लाइज, यानी मक्खियाँ खाती है. मक्खियों को कौन खाता है? फ्रॉग. क्लियर? फ्लावर्स, फ्लावर से कौन होता है? मोथ, यानी लटे या जो गिर जाती हैं उन्हें कौन खाता है? फ्रॉग. और फ्रॉग को कौन खा जाएगा? ईगल. इसी तरह से लीव्स, लीव्स को कौन ईट करता है? रैबिट भी ईट करता है, और अर्थवर्म भी ईट करती है. क्लियर? और रूट्स के अंदर अर्थवर्म रहती है, और इन्हें कौन खा जाती है? अर्थवर्म्स को स्पैरो, यानी चिड़िया खा जाएगी. और इन दोनों को कौन खा सकता है? ईगल, बिकॉज ईगल का एक स्क्वेंजर है. क्लियर? सो इसी तरह का जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है नंबर ऑफ फूड चेन्स का, उसे हम कहते हैं फूड वेब. सो बच्चों, आई होप कि आपको समझ आया होगा. आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही.
नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर।